फूड पॉइजनिंग या फूड बॉर्न इलनेस एक ऐसी स्थिति है जो खाना खाने के बाद, आजकल गर्मी में इतनी कंटेमिनेटेड फूड लेने के बाद, देर का रखा हुआ फूड लेने के बाद यदा कदा सबको हो जाती, खासतौर से बच्चों को। आज हम बताएंगे आपको इसी को क्योर, कंट्रोल, मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के विषय में। फूड पॉइजनिंग या फूड बॉर्न इलनेस एक ऐसी स्थिति है जो आजकल गर्मियों का समय है, तमाम कंटेमिनेशन बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस, फंजाई के फैले हुए हैं और यह एक फूड पॉइजनिंग स्टमक में कास कर रहे हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे इसी को ठीक करने की, मैनेज, कंट्रोल, क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फूड पॉइजनिंग होती क्या है। फूड पॉइजनिंग साथियों, जिसको कि फूड बॉर्न इलनेस भी कहते हैं, वह कंटेमिनेटेड फूड के कारण होती है। वो फूड जिसे कभी भी हार्वेस्टिंग के दौरान, ग्रोइंग के दौरान, प्लोइंग के दौरान, कटिंग के दौरान, स्टोरिंग के दौरान, कुकिंग के दौरान, कभी भी उसमें इन्फेक्शन हो गया, वह कंटेमिनेट हो गया हो बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, तो वह जो पॉइजनिंग शरीर में जो कॉज करता है इन्फेक्शन, वह ही फूड पॉइजनिंग होती है। सिम्टम्स साथियों फूड पॉइजनिंग के, डायरिया का होना, पेट में दर्द होना, ऐठन होना, मरोड़ होना, यह सब फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं। कारण साथियों, फूड पॉइजनिंग का कारण बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस होते हैं, या फिर ज़्यादा वक्त तक हम जब फूड को, कुक्ड मील को रखे रहते हैं तो भी वह उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, वह कंटेमिनेट हो जाता है और यही सब फूड पॉइजनिंग के कारण होते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे फूड पॉइजनिंग को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवा। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में फूड पॉइजनिंग को कंट्रोल करने की आती है, उसका नाम है नक्स वोमिका। अगर किसी भी साथी को फूड पॉइजनिंग हुई है या फूड बॉर्न इलनेस हुई है कंटेमिनेटेड फूड लेने से, और उनको डायरिया हो रहा है, नर्वसनेस हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, वीकनेस आ रही है, हेडेक हो रहा है, तो नक्स वोमिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा फूड पॉइजनिंग के इफेक्ट को एंटीडोट करती है और मरीज को ठीक करती है। एक स्थिति आती है साथियों, जब ज़्यादा पके फल का सेवन कर लेते हैं, फल जो ओवर राइप हो गए उनका सेवन कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में फूड पॉइजनिंग की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आर्सेनिक एल्बम ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों टॉक्सिक पॉइजनिंग की। अगर टॉक्सिक पॉइजनिंग हो गई है, टॉक्सिक आ गए हैं, कुछ आपका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ आ गया है फूड में, तो आप कोशिश कर सकते हैं इसको मैनेज करने की बैप्टीसिया टिंटोरिया 30 और क्यूप्रामेट 30 से। यह दोनों दवाएं दो दो बूंद दिन में 3 बार दी जाती हैं। यह टॉक्सिक पॉइजनिंग में, फूड पॉइजनिंग में बहुत कारगर दवाएं हैं। एक स्थिति आती है साथियों, जब स्पाइड यानी कि बहुत खराब देर का रखा हुआ मीट का सेवन कोई कर लेता है, उनके फूड पॉइजनिंग हो जाती है, नॉनवेज का सेवन कर लेता है, तो अगर मीट के सेवन से जो कि स्पाइल्ड हो, काफ़ी वक्त का रखा हुआ, और उसको कोई भोजन कर ले और फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों फूड पॉइजनिंग हो जाए, मरीज को झटके लगने लगे, कन्वल्जन्स आने लगे, तो अगर कन्वल्जन्स आ रहे हैं और फूड पॉइजनिंग हुई है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हायोसाइमस। हायोसाइमस नाइगर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है किसी ने शहद खा लिया और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो अगर शहद या हनी के इंटेक के बाद फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो उसको ठीक करते हैं कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूर-1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर लेने से फूड पॉइजनिंग खत्म हो जाती है और हनी की जो फूड पॉइजनिंग है यह भी खत्म हो जाती है।
एक स्थिति आती है साथियों, बहुत भारी खाना खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई हो, अगर यह स्थिति हो कि फैटी फूड खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो उसको यानी केक्स और चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ों का सेवन करा और फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि काली उल्टी हो रही हो, ब्लैक वॉमिटिंग हो रही हो, मरीज अनकॉन्शियस हो गया और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, फूड बॉर्न इलनेस हो गई हो, यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आर्जेंटम नाइट्रिकम का सेवन जब ब्लैक स्टूल आ रहा हो उस स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थी फूड पॉइजनिंग फूड बॉर्न इलनेस की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन यह स्थिति कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी भी डिमांड करती है, स्टमक वॉश भी डिमांड करती है, तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, उसकी राय उसे प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लें। अपनी राय साथियों इस वीडियो के बारे में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं प्रयास करूँगा आपकी बात का जवाब दूँ। वीडियो को साथियों समाज हित में, देश हित में, होम्योपैथी के हित में आगे बढ़ाते रहिएगा। आप आगे बढ़ाएंगे वीडियो तो पूरे विश्व में भारत देश का नाम होगा, क्योंकि वीडियो भारत देश में ही बना है, और होम्योपैथी आगे बढ़ेगी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।